बजट सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक विरोध प्रदर्शन करते हुए पैदल विधानसभा पहुंचे हैं। बता दें कि सभी विधायकों ने 3 कृषि कानूनों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हाथ में किसानों के समर्थन की तख्तियां लेकर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को फौरन किसानों की मांग मानते हुए तीनों कानून वापस लेने चाहिए, साथ ही MSP की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र में APMC एक्ट में MSP की गारंटी जोड़ने वाला संशोधन विधेयक लाना चाहती थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने नियमों के विरुद्ध जाकर इस विधेयक को खारिज कर दिया। स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस विधेयक को खारिज किया है, जबकि माननीय कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। सदन की कार्यवाही के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि APMC एक्ट राज्य का विषय है, प्रदेश की विधानसभा के पास इसमें संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है। बावजूद इसके किसान हित के विधेयक को खारिज करने से सरकार की मंशा जग जाहिर हो गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार किसानों को MSP देने से पीछे हट रही है। जो हमने नो कॉन्फिडेंस दिया था उसका नोटिस तो 10 तारीख को उस पर डिस्कशन होगी और 10 तारीख को ही उस पर वोटिंग होगी। और एक जो प्राइवेट मेंबर बिल हमने दिया था APMC को अमेंड करने के लिए, वो स्पीकर साहब ने रिजेक्ट किया है। मैं समझता हूं ये रिजेक्शन इनवैलिड है, क्योंकि जो उन्होंने रीजन लिया है वो है ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड इतने ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबाउ आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द नोटिस फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द अबाउ बिल हैज नॉट बीन एडमिटेड बाई ऑनरेबल स्पीकर एज कैटेगराइज डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आई डोंट नो विच कब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इनको, या तो दे बताते हमारे कोई सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन या कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं आएगा, वो हाउस अडॉप्ट करता ही नहीं दूसरी बात है, तो ये कोई मतलब इनका था नहीं है। ये कोई उन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया कमेटी वगैरह, वो तो स्टे है, एक्ट तो स्टे है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा नहीं था। जो इन्होंने रीजन लिया सब्जेक्ट जो लिखा इन्होंने, जो हमारे को लेटर लिखा सब्जेक्ट लिखा हरियाणा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स हरियाणा अमेंडमेंट बिल 2021, वो टोटली स्टेट सब्जेक्ट है APMC का, तो किस वो उस पर रिजेक्शन की ये समझ में नहीं आया मेरे को। कोई डायरेक्शन हमारे को उन्हें दिखाई नहीं है और कोई वॉयलेट नहीं करते हम आर्टिकल 254 या 246 के, कोई कोई उसका कोई वायलेशन नहीं है। हम तो हमारा जो हम है APMC है उसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे थे, उसमें अमेंडमेंट भी इतनी ला रहे थे कि जो कोई MSP से कम खरीदेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब है उसमें जैसे 9 अगस्त 2007 में हम लेके आए APMC एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए और Rule 6 में हमने ये प्रावधान कर दिया था कि जो जितना टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट होगा कॉन्ट्रैक्टर फार्मर और जो करेगा कॉन्ट्रैक्टर उसका जितना भी टोटल अमाउंट 100 करोड़ का होता है, 50 फार्मर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका एग्रीमेंट जो है एनफोर्समेंट ऑफिसर मार्केट कमेटी एक होगा, हालांकि मंडी से बाहर पैदावार में है खरीदनी होगी वो करेंगे, और जितना टोटल अमाउंट बनेगा उसका 15% जो है वो श्योरिटी या बैंक गारंटी वो देगा कॉन्ट्रैक्टर। अगर टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, अगर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में कामयाब हो जाते हैं फार्मर सेटिस्फाइड है तो एक महीने के बाद रिफंड किया जाता था उसको, तो उसकी जगह हमने चाहते थे कि कोई भी, और ये प्रावधान था MSP से कम कोई नहीं खरीदोगे, और जिसमें MSP नहीं है उस क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो पिछले साल जो भी भाव रहा प्रिवेलिंग रेट रहा उस पे होगा, टू वॉच द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर ताकि धोखा ना हो। तो उसको और इन फार्मर्स का इंटरेस्ट करने के लिए
हम ला रहे थे भाई कोई एमएसपी से कम लेगा तो उसमें सजा का प्रावधान होना चाहिए। बाकी ऑबिचुरी थी, ऑबिचुरी हमने किसान जो शहीद हुए हमारे सबको हमने दी है, पूरे सदन ने दी है, मैंने पढ़ा था, किसी ने उतराज नहीं किया और उनके नाम भी दिए हमने पटल पर रखे हैं। शहीद कहा है मैंने तो दर्जा को क्या हुआ है, जब मैंने कहा जो उन्होंने जिन्होंने अपने शहीदी दी है किसानों के जायज मांगों के लिए उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। जहाँ पे एमएसपी नहीं है वहाँ उनकी, हाँ उनके प्रिवेलिंग मार्केट रेट से कॉन्ट्रैक्ट होगा। आज हम लेके आ जाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसका सजा का प्रावधान। पैसा नहीं, जब सजाई का प्रावधान हो गया था, एमएसपी से कम कोई खरीद नहीं हो, जो जो वो तो पता नहीं क्या कौन सी गलती। अरे वो स्पीकर साहब कह रहे थे एम्स ऑब्जेक्टिव में आपने 3 लॉज डाले हैं और रिजेक्ट करते हुए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है, उनका कहाँ डायरेक्शन है, वो तो स्टेट है। वो तो ये था कि भाई ये जो लॉज हैं इनका इम्पैक्ट से किसान को बचाया जाए, तो इस वास्ते हम लाना चाहते थे। एपीएमसी तो हमारा है ना, सेंट्रल सब्जेक्ट है, वो स्टेट सब्जेक्ट है एक्सक्लूसिवली। अब एक आधी स्टेट में लागू भी नहीं किया है, हमारे यहाँ पंजाब में यहाँ पे है, क्योंकि परचेज सेंटर हर 10 किलोमीटर बना रखे हैं हमने। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक